हेलो खूबसूरत दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लाइटा कितना जाग गया, कैसे हाल चाल है? आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं, मेरी आवाज़ आपको डिफरेंट लग रही है। फिर से बीमार हो रहे हैं हम लोग। अर्लियर आज के क्लिप में देखा नहीं, देखा आपने? मैं आपको बताती हूँ, हिम्मत थोड़ा बीमार हो गया था अचानक से। आई डोंट नो क्यों, कहाँ से वो बीमार हो गया। एकदम से रात को उसको 103 बुखार हो गया, फिर उठा के उसको नींद में दवाई दी। अगले दिन अच्छा था कि स्कूल से छुट्टी थी, अदरवाइज ना स्कूल से बहुत छुट्टियां हो रही थी उसकी। अच्छा था कि स्कूल से छुट्टी है तो उसने आराम कर लिया, फिर वो थोड़ा ठीक हो गया। मैं वैसे उससे काफ़ी दूर रही पर फिर भी हो गई। मैं भी बीमार और हस्बैंड भी हो गए, सो आज जो मेरा दिन था कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, रिलैक्स करूँगी। पर हस्बैंड ने बताया कि उनके कोई दोस्त आने वाले हैं तो मुझे उनके लिए लंच प्रिपेयर करना है। कोई स्पेशल लंच नहीं करने वाली हूँ मैं, सिर्फ राजमा राइस बनाऊँगी एंड सैलड एंड साइड्स, हैविंग कम्फर्ट फूड जो हम खाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए जाना और थोड़ी पैकिंग सप्लाईज चाहिए आज की शिपमेंट के लिए, क्योंकि जो मेरा बल्क ऑर्डर है वो अभी तक मेरे पास पहुँचा नहीं है, एंड और दो तीन निके निके टास्क हैं। सो मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना ही लेते हैं, जो तैयार हो हैं। वैसे मैं रिलैक्स करने वाली थी आज, मैं ना व्लॉग बनाती ना कुछ करती, पर आज हूँ जो हो हैं तो चल जाने। और बाहर अजीब जहाँ मौसम है, आज जून महीना चल रहा है, वैसे तो 19-20 डिग्रीज है पर गलूमी है, लगता बहुत बुरी बारिश होगी, तूफान भी आ सकता है। सो बेसिकली आई एम वेरी स्केयर्ड, और हमारे इधर वाली सारियाँ गलियाँ बंद हैं और मुझे हाईवे से जाना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो या बातचीत को बंद करते हैं, लेट्स गो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्यारी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वीडियोस बनाती हूँ मैं, एंड आप मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड अगर सब्सक्राइब करेंगे ना, बेल को भी क्लिक करना। मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आपको ग्रॉसरी स्टोर में मिलती हूँ। बाय बाय। म्यूजिक प्लीज। ओके दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट डन हूँ, एंड माइकल से मेरा काम नहीं हुआ एंड मुझे एक दो और स्टोर्स में जाना पड़ा, एंड बहुत हफड़ा दफड़ी थी, मैं व्लॉग बना नहीं पाई। मैंने सोचा था बनाऊंगी बट मुझे घर जाके कुक भी करना है, ऑलरेडी मन लगा मैं भी 25 मिनट लेट चल रही हूँ। घर जाके मिलती हूँ आपसे, एंड फिर मैं आपको ज्ञान की 10-15 गल्ला बताऊँगी, एक ही बताऊँगी। ओके बाय। Don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth, it ain't that bad or good. Took L's and W's too. I'll be the last to start and the first to leave. Ooh, I'ma play the part convincingly. I got a lot on my mind, all my shit I'm way behind, but if you check my pages I'm doing fine. You think being smart was my hobby, acting dumb was my job, being lazy is comfy, doing work is too much, acting crazy is easy, and calming down ain't no fun. Now I'm finished but you know I ain't done. Don't act like it's so easy, don't tell me it's so hard, don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth, it ain't that bad or good, took L's and W's too. And I know we look perfect, looking from the outside, cause my lady is lovely, but she ain't loving me right. Always be something in between her and I. It'll either be a bond or some guy. To paint the world is black and white, except for the green on the other side. Pay the way you never drive. Don't tell me it's so hard. Don't. Hello
दोस्त हो तो बहुत बहुत समय के बाद वापस आई हूँ। हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स को मील खिलाने के बाद मैंने भी खा लिया और वीडियो नहीं शूट की मैंने, थोड़ा सा क्लिप शूट किया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मैंने, सिर्फ राजमा राइस एंड सैलड एंड साइड्स। एंड मेरा नाक ना बहुत ख़राब हो गया है, सो अर्लियर मैंने बताया ना कि शायद मैं हिम्मत से थोड़ा बीमार हो रही हूँ, थोड़ा बीमार हो नहीं रही हूँ, हो चुकी हूँ। चाय बनाई है मैंने, मेरा सोर थ्रोट भी है, गॉड नोज ना बुरी तरह क्लॉग हो रहा है, कंजेशन हो गया है एंड आई हेट इट। आई नो हिमल लव्स इट बट आई डोंट लाइक इट। सो उसके बाद क्विकली रन करना पड़ा मुझे सिमार शॉप की डिलीवरीज करने के लिए, शिपिंग के लिए। एंड फिर वापस आके मैंने थोड़े और आलतू फालतू काम किए, देन मैंने किचन को थोड़ा क्लीन कर लिया। मैं चाय की ब्रेक लेने वाली हूँ, आज मैं ना जल्दी सो जाऊँगी। वैसे मेरा आज दिन था कि मैंने आपको बताया ना जब मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, क्योंकि आज सेहत वधिया नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती थी, सिर्फ खाना बनाना चाहती थी, ना व्लॉग करना चाहती थी, कुछ भी नहीं, बट सारा कुछ कर लिया। व्लॉग मैंने लाया नहीं, मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी क्योंकि मैं नॉट गुड फीलिंग में, नॉट फीलिंग वेरी गुड। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद ना, अभी समय क्या हुआ है, 6:15 हुए हैं, हस्बैंड गए हैं शोइंग के लिए, उनकी मेजॉरिटी ऑफ शोइंग्स इवनिंग में होती है, लोग ना कम कुम करके शोइंग करते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, सो मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट में काम करते हैं। अगर आप कैलगरी में घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मैंने बताया था ना कि जब भी मुझे नोज़ या गले की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा साइनस भी इन्फेक्ट हो जाता है, एंड मुझे लग रहा है कि वैसा हो रहा है, क्योंकि जब वो इन्फेक्ट होता है ना मेरे कान भी काइंड ऑफ बंद हो जाते हैं, एंड अगर वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो गया तो फिर वो तो जाएगा नहीं 10-15-20 दिन तक, तो मुझे डिजी भी फील होता रहेगा और ऐसे लगेगा सर में किसी ने पट्टी बांध के रखी है, लाइक बहुत प्रेशर। और ओके बीमारी की बात मत करते हैं, अगर तो मैं अच्छा फील करूँगी तो आपको मिलती हूँ, अगर मैं अच्छा नहीं फील करूँगी तो मैं आपको कल मिलूँगी। चंगा दोस्तों, बाय बाय। तेरी यदि मैचिंग क्यों नहीं पाई? It's okay. Then it's not okay. And then I had samosa. And don't forget rajma. Okay. Wait, I think I'm getting taller from the rajma rice. चल बस कर रही चार सोनी। ओके सो आज है अगला दिन, एंड मैंने अर्लियर कहा था कि हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे पर मैं भूल गई थी। रिसेंटली मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है बहुत ही लंबा चौड़ा, एंड उसमें उस गर्ल ने बताया कि उसकी मदर इन लॉ उससे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाती है, एंड ऑल्सो उसको कंपेयर करती रहती हैं अपने से, एंड उसकी खाने में गलतियाँ निकालती हैं, एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि जब वो उसके कपड़े पहनने के तरीके को कंपेयर करती हैं अपने से कि तो उसे रहना सहना नहीं आता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा लो क्लास है, एंड इवन उसके पेरेंट्स को भी, उसकी मम्मी को भी, एंड सबको वो बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लाइक गरीब लोग हो आप एंड हम लोग अमीर हैं, एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड ये काइंड ऑफ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। आज हम बात करेंगे कि मदर इन लॉ के टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी मदर इन लॉ टॉक्सिक है। कई बार क्या होता है कि मदर इन लॉ वैसे उनको बेचारों को भी कईयों को नहीं पता है कि कैसे ट्रीट करना है दूसरे बंदे को, अगर आप उनसे बातचीत करके चीज़ें सॉल्व करें तो उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि उनके लिए भी नया है किसी और बंदे के साथ रहना। सो कई बार तो ये हो सकता है, बट कई बार जो मदर इन लॉ है वो टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट भी हो सकती है। सो आपको कैसे पता करना है कि आपकी मदर इन लॉ जस्ट नॉर्मल मदर इन लॉ है या फिर टॉक्सिक है? सो साइंस हैं कि वो आपकी बाउंड्रीज की केयर नहीं करती है, लाइक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चीज़ें कैसे चाहती हैं, जैसे भी आप चाहती होंगी वो उसको चेंज करके अपने तरीके से कर लेंगी, या फिर अगर आपको कहीं पर जाना है वो उसमें इंटरफेयर करेंगी कि नहीं तुम आज नहीं जा सकते, तुम्हें आज मेरे साथ ये करना होगा। वो आपके हस्बैंड को इनकरेज करती हैं आपसे चीज़ें छुपाने के लिए, और या फिर वो कभी भी अगर आप उनसे रहते कभी भी अनअनाउंस आ जाएंगी और आपके हर चीज पे क्वेश्चन करेंगी कि तुमने किचन को अच्छी तरह नहीं रखा है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम मैनेज अच्छा नहीं करती हो, तुम ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं करती हो, तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, एंड आपकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन करेंगी कि तुम्हें बच्चों को पालना नहीं आता है। सो बाउंड्रीज की केयर नहीं करती है। दूसरा है कि वो दूसरा साइन है कि वो हमेशा ये कहती है कि वो जो करती है वो बिल्कुल सही है, जो तुम करती हो बिल्कुल गलत है। अभी ये है कि पेरेंट्स जो करते हैं, यस वो हमसे 30-35 साल पहले पैदा हुए होंगे, या उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है, ये नहीं है कि उनको जो भी पता है वो हमेशा राइट ही होता है, कई बार वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट कई पेरेंट्स का मानना होता है, मदर इन लॉज का स्पेशली, कि जो उनका तरीका वो सही तरीका है और आपका गलत तरीका है। अगर आपकी मदर इन लॉ आपको हर चीज़ में ऐसे
कहती हैं टॉक्सिक ट्रेट है ये भी. सो टॉक्सिक मदर इन लॉ को खुश करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है. उनके लिए जो भी कुछ कर देंगे वो उनके लिए इनफ नहीं होगा, वो कभी खुश नहीं होंगी. बेशक आप चीज़ें सारे उनके तरीके से करेंगे, वो किसी भी चीज़ में नुक्स फिर भी निकाल देंगी. ये भी काइंड ऑफ टॉक्सिक ट्रेट है कि यू कैन नेवर प्लीज हर. और अगला है टॉक्सिक कि वो आपकी बुराइयाँ आपके पीठ पीछे करती हैं, वो लोगों को आपके बारे में भड़काती हैं या फिर आपकी चीज़ें सारी दुनिया में फैलाती रहती हैं, गैस लाइट करती हैं. आपने ऐसे कुछ और कहा होगा और वो ऐसे जग जाहिर कर देती हैं कि टोटली डिफरेंट सिचुएशन थी. सो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट है. गॉसिप करती हैं आपके बारे में. ऑल्सो जैसे भी वो उनका बात करने का तरीका है या जो भी आपको वो ट्रिगर करती हैं, वो कोई इमोशनल अब्यूज कर रही हैं, वो ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान करती हैं, ऐसा सिचुएशन बना देती है घर में कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं और सिचुएशन इतनी वर्स है कि आपके दिमाग से ये बातें जा ही नहीं रही हैं, तो वो आपको इमोशनली भी अब्यूज कर रही हैं. वो चाहती हैं कि आप हर चीज़ उनसे पूछ के करें, उनके पूछे बिना आप कुछ भी मत करें. लाइक हर चीज़ उन्हीं के अकॉर्डिंग उनसे पूछे बिना नहीं होनी चाहिए. और ऑल्सो ये जो बर्ताव वो आपके साथ कर रही हैं, ये आपको डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है आप पर ही. आप बेशक बहुत ही ज़्यादा कमाल के इंसान हो, पर ऐसे रवैये के साथ आपको लगता है कि यार सच्ची मैं शायद बुरी तो नहीं हूँ. आप लाइक अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देते हैं सेल्फ क्रिटिसाइज करके कि शायद यार वही सही है, मैं ही गलत हूँ. सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं आप. और ये है कि अगला ट्रेट है कि वो हमेशा बिना किसी से पूछे आपकी मदद करनी शुरू कर देती है. आप बहुत सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती हैं, पर वो कहती हैं कि नहीं मैं करती हूँ सारा कुछ. एंड वो विदाउट आस्किंग आपकी हेल्प करने के लिए आ जाती हैं जब आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती है. एंड वो उनका मानना है कि वो करेंगी तो बिल्कुल सही तरीके से करेंगी, आप सही नहीं कर पा रहे हैं. तो वो हर जगह फंस जाती हैं अपनी तरीके से चीज़ें करने के लिए. मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो आपको इग्नोर करती हैं. अगर आप किसी पार्टीज़ में हैं, किसी इवेंट में हैं, वो आपको किसी के साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं करती है. आपको वो बस एवं रैंडम बंदा समझती है. वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती कि आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करे, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो घर में होती हैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती है. कहती कि नहीं ये हमारा प्राइवेट मामला है, इसको रहने दो. लाइक यू नो सोच के वो आपको इग्नोर करती है, जो कि आपको बहुत हर्ट करता है क्योंकि आप भी उस फैमिली का हिस्सा हो. आपको लगता है कि वो आपको शामिल नहीं कर रही है चीज़ों में. ये एक्चुअली उनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर है. अभी नार्सिसिस्ट बंदा जो होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने आप में होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के दिमाग की सिचुएशन क्या है, किसी के दिल पे क्या असर हो रहा है, किन चीजों का. उन पे इस चीज का कोई असर नहीं होता है. दे आर वेरी वेरी वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे बंदे की सिचुएशन से उनको कुछ लेना देना नहीं है. बेशक जितना भी आप ट्रॉमाटाइज हो, कितनी भी आप दुख तकलीफ में हो, उनको ऐसे पिद्दा सा असर भी नहीं होने वाला है. अभी आप को अगर इनमें से कोई ट्रेट्स मैच करते हैं कि यस आपकी मदर इन लॉ टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, तो आपको उससे डील कैसे करना है. सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि आपको उनको सही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नार्सिसिस्ट है उसको कोई सही नहीं कर सकता है. वो खुद ही कर सकते हैं पर वो भी नहीं करते हैं क्योंकि दे आर वेरी हैप्पी द वे दे आर. उनको लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है. सो आप उनको सही करने की कोशिश बिल्कुल कभी मत करें क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे और आप ही का इमोशनल डैमेज होगा और बहुत बुरा हो जाएगा. और उनसे बहस मत करें कि आप नहीं जीत सकते हैं. एंड नार्सिसिस्ट बंदा, टॉक्सिक बंदा हमेशा राइट होता है और आप हमेशा रॉन्ग होते हैं. तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सिचुएशन को लेट इट गो करें, इग्नोर करें और आप उस जगह से अपने आप को रिमूव कर दें बिकॉज आप नहीं जीत सकते हैं. एंड उनको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं. वो ऐसे ही है, वो वैसे ही रहेंगे. आपको अपना बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी कि आप कैसे अच्छा फील करेंगे. अपने हस्बैंड के साथ इसके बारे में पूरा ओपनली कन्वर्सेशन करें. यस बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हाँ उनको अच्छा नहीं लगता अपने पेरेंट्स को डिस्कस करना. बट यस, अगर उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, वो उनके साथ भी थोड़ा वैसा बिहेव करते होंगे. यस आपके लिए, आपके साथ थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं, पर हर एक को पता होता है कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है एंड टॉक्सिक है. सो आपके हस्बैंड अगर समझदार होंगे, नॉर्मल बंदे होंगे, नार्सिस नहीं होंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है. आप उनके साथ ओपनली बता सकते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं. आई होप कि वो अंडरस्टैंड करेंगे. पर यस, आपका उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और नार्सिस्ट बंदे के साथ, टॉक्सिक बंदे के साथ आप विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको सिचुएशन को मैनिपुलेट करना बहुत बखूबी आता है. सो आप विक्टिम कार्ड प्ले मत करें. अपने आप में थोड़ा यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट रखें एंड चिंता मत करें क्योंकि ये सिचुएशन आप हैंडल
हैंडल नहीं कर सकते हैं. विक्टम कार्ड प्ले करने से हमेशा हमेशा आप ही को लेट डाउन होना पड़ेगा. सो अपना आप को समेटे एंड सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए. सो नो नीड टू प्ले विक्टम कार्ड. एंड अभी आपको पता है कि आप इस टॉक्सिक बंदे के साथ रिलेशन में हैं एंड आपको इसके साथ डील करना ही पड़ेगा. एंड चीज़ों को बहुत सीरियस मत लें. इग्नोर करें जितना आप कर सकते हैं एंड लेट गो करें. एंड पूरा डीप इनसाइड कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी आपकी कन्वर्सेशन को समझेगा नहीं. एवं टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. अगर आपकी टॉक्सिक मदर इन लॉ आपके साथ कन्वर्सेशन करती है एंड आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो आप उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि अभी मैं आपके साथ आपके बात करने का तरीका मेरे साथ सही नहीं है एंड आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. मैं अभी आपके साथ बात नहीं करूंगी. जब आपका सिचुएशन थोड़ा बेटर होगा हम तभी बात करेंगे. ये चीज उनको इतना ज्यादा चुभेगी, इतना ज्यादा बुरा फील होगा ना आप इमेजिन नहीं कर सकते. पर अगर आप विक्टिम कार्ड प्ले करके दुखी हो गए, रो रो के बातें करेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा. बट यस, उनको मजा बहुत आएगा कि जो वो करना चाहते हैं उसमें वो सक्सेस हो रहे हैं. सो नो नीड टू प्ले एनी विक्टिम कार्ड. प्लीज प्रैक्टिस करें सेल्फ कंपैशन, अपने आप को प्यार करें. वो जो भी चीजें आपको बोल रही है वो सच नहीं है, वो सिर्फ उनके माइंड में है. आपको पता है कि आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कि अच्छे ढंग से अपने घर को संभाल दें, अपने पति को, अपने बच्चों को. सो अपने आप से कंपैशन शो करें. उनकी बातों को बिल्कुल ही पर्सनली मत लें क्योंकि वो एक्चुअली वो चाहती हैं कि आप दुखी हो अपनी जिंदगी में. सो अगर आप नहीं लेंगे, यू नो, इधरों को सुन के इधरों काट देंगे, वो चीज़ उनको ज़्यादा तकलीफ देगी. एंड ऑफ द डे वो हट जाएंगी. उनके पास भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हमेशा आपको परेशान करते रहे. अगर आप दुखी नहीं ना होंगे तो वन डे शी गोना लीव. आप अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करके बाउंड्री सेट कर दे कि कौन सी सिचुएशन में आप अपनी मदर इन लॉ को अंदर नहीं आने देना चाहती अपनी बाउंड्रीज में. एंड आप अपनी मदर इन लॉ के सामने भी ओपन कम्युनिकेशन में बता सकती हैं कि ये फैमिली बहुत स्ट्रांग है, मी, मैं, माय हस्बैंड एंड हमारे बच्चे, और हम एक दूसरे से सीक्रेट्स बिल्कुल नहीं रखते हैं. जैसे वो इनकरेज करती हैं आपके हस्बैंड से छुप छुप के बातें करना, या उनको भी इनकरेज करती हैं. अगर तो आपके हस्बैंड इस चीज़ में आपका साथ देंगे तो बहुत अच्छा है. पर बहुत बार हस्बैंड लोग यू नो अनकम्फर्टेबल हो जाता है उनको इस सिचुएशन में अपनी पेरेंट्स को बोलना या माँ को बोलना कि आप मत आओ. तो आप इनिशिएट लें और उनको कई चीज़ों में मना करना शुरू कर दें कि ये नो, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये मैं नहीं लूँगी या ये मैं नहीं करूँगी. तो धीरे धीरे उनको आइडिया हो जाएगा कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं और आप बाउंड्रीज सेट कर रही हैं. वो उनको पता चल जाएगा कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी इवेंट में आपको बुला रही है जहाँ पे वो बुला के आपको इग्नोर करेंगी, वैसे इवेंट में मत जाए. एंड उनको पता चल जाएगा कि आप नहीं आना चाहती क्योंकि आप बुलाएंगी फिर उनको, आपको उनको बुलाना पड़ेगा. सो ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं ना. तो इस तरह एग्जांपल कि आप बाउंड्रीज सेट करें उनके साथ कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. सो ये है बाउंड्रीज. अगर आप सेम घर में रहते हैं तब भी ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अपने ढंग से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है. जब वो आपके रूम में अचानक से आ जाती हैं आप उनको बता सकते हैं, अगर आप रूम में आती हो, आप अनकंफर्टेबल होती हैं, आप प्लीज़ ऐसे बताया करो, नॉक करा करो, यू नो, ऐसे ऐसे चीज़ें. आप डोर को लॉक कर सकती हैं या आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है. आपको उनको बताना पड़ेगा कि सर्टेन जगहों पर, सर्टेन सिचुएशन में आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. सो फाइनल थॉट्स हैं कि ये जो टॉक्सिक मदर इन लॉ है या टॉक्सिक कोई भी बंदा है आपके घर में, ये बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालता है आपके ऊपर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे, आपके बच्चों के ऊपर. सो आपको अपना इस सिचुएशन में पूरा ख्याल रखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड क्या बुरा. अगर आपको लगता है सिचुएशन आपके हाथों से बहुत बाहर है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं घर में, किसी बड़े की, या फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इस चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत होने दें, ज़्यादा पर्सनल मत लें. अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. एंड ये लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मदर इन लॉ को चेंज नहीं कर सकती हैं. आप चेंज कर सकती हैं अपने आप को एंड अपने माइंड सेट को और चीज़ों को लेने का तरीका. एंड आप कैसे अप्रोच करेंगी उनके साथ डील करने के लिए, इसको आप चेंज कर सकते. अदरवाइज सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाएगी. आई होप ये टिप्स आपको रियली हेल्प करेंगी. अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सजेशन है, टिप्स है, हमारे साथ ज़रूर से शेयर करना कमेंट बार में. सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. एंड मैं मिलूंगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. एंड बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आई लव यू गाइज सो वेरी मच.
एंड वन लास्ट चीज़ है, जब भी आप किसी ऐसे बंदे से परेशान है ना, तो जब भी आप सुबह उठते हैं एंड सोने से पहले उस बंदे की आत्मा के लिए शांति मांगा करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको कोई बंदा परेशान करता है ना, उसके बाहर के रूप को इग्नोर करके उसकी सोल को देखा करें, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है। ये सारा कोई कार्मिक स्ट्रक्चर है जिसको हमारा लेना देना है। कोई हमें परेशान करने के लिए आता है, किसी को हम परेशान करने के लिए आते हैं। सो आपको क्या करना है, उस सोल के लिए शांति मांगनी है। आप बस ये लाइनें बोल सकते हैं सुबह उठ के या सोने से पहले कि मैं, अगर मैंने कभी भी इस आत्मा को परेशान किया है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपकी आत्मा मेरी आत्मा को परेशान कर रही है, उसके लिए मैं आपको फॉरगिव करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड हमेशा काम करता है। थोड़ा लंबा समय लेगा बट रियली काम करेगा।